वेलकम टू साइंस लैब गाइस। आज हम लाए हैं एक नया एक्सपेरिमेंटल वीडियो जो कि रूबिक्स क्यूब के ऊपर बेस्ड करके होगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, ये जो दो क्यूब देख रहे हो मेरे हाथ पे, एक आंसर क्यूब है देखो ध्यान से, और एक सॉल्व क्यूब है देखिए। ये आंसर क्यूब सॉल्व करके ऐसा लुक देता है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सॉल्व क्यूब के ऊपर कलरिंग पेपर ऐड करेंगे और इस तरह का लुक, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे ऐसा लुक आते कि नहीं। ये रहा कलरिंग पेपर, इसको ही काट के इसके ऊपर जोड़ देंगे। तो देखो ऐसे ही पेपर के रूप में रैंडमली लगा देंगे। पेपर जो है रेडी हो गया है, देखो रैंडमली कलर यूज किया है, ये ऐसा ही सॉल्व क्यूब है पर उसके ऊपर रैंडमली कलर यूज किया है। करीब से देखो यहाँ से सारे पेपर हैं, इसके नीचे कोई और कलर है, ठीक है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो ले सॉल्व क्यूब, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो गया। देखो इसके पीछे कोई और कलर है, ठीक है तो ऐसा कभी कभी हो भी नहीं सकता है, घर में ट्राई करो शायद हो जाए। पर इसके रूल है ये 9 कलर रहना चाहिए और अपोजिट कलर एक के साथ एक आपस में नहीं आना चाहिए। तो चलो गाइज ये पेपर सारे हटा के देखते हैं कैसा कलर आता है, अनसॉल्व होगा पर कैसा होगा देखते हैं, और उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ये देखो सारे पेपर जुड़ा हुआ था, ये हटा दिया, अभी भी गीला है, अभी लगाया था तो देखो रैंडमली सजाया था। पर रूल्स तो बोल दिया कि 9 कलर रहना चाहिए और अपोजिट कलर एक साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब अपोजिट कलर मतलब ये वाइट और येलो ये अपोजिट है ना, येलो वाइट ये आपस में नहीं रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर येलो और यहाँ पर वाइट ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो नहीं होगा। अगर ये क्यूब सॉल्व आपको सीखना है तो कमेंट में बताइए, एक वीडियो करूँगा क्यूब सॉल्व के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, आप लोग देख तो सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो। देखो हो गया पूरा ही अलग अनसॉल्व है, इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है इसको सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों हो गया, घर में ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको भी ऐसा होता कि नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ अगले वीडियो के लिए।